राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के शिक्षण हेतु कार्यक्रम। 3 से 6 साल के बच्चों में भाषा का विकास। क्या बात है, आप लोग बातों में इतने मगन हैं कि मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। हम अपनी ही बातों में इतने व्यस्त थे कि हमने आपको आते नहीं देखा दीदी। अच्छा अच्छा, आज हमें बच्चों में भाषा विकास पर चर्चा करनी है और आप लोग अपना ही भाषाई कौशल बढ़ाने में लग गए। अच्छा तो चलो, आज भाषा के विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। सब लोग आंखें बंद करके कुछ सोचो। अच्छा, अब आंखें खोलिए। जुबैदा, आप बताइए आपने क्या सोचा। दीदी, मैं सोच रही थी कि आप ये क्रिया क्यों करा रही होंगी। अच्छा मंजू, आप क्या सोच रही थी। दीदी, मैं सोच रही थी कि मेरे परिवार के लोग इस समय क्या कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह आप सब कुछ ना कुछ सोच रहे थे, है ना जी। अब ये बताइए, सोचते समय आप किसके माध्यम से सोच रहे थे, चित्रों के, शब्दों के या भावनाओं के। दीदी, जब हम सोचते हैं तो शब्दों में ही तो सोचते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या सभी शब्दों में सोच रहे थे। लेकिन दीदी, जब मैं सोच रही थी तब मेरे मन में कुछ छवियां भी थीं। हाँ मधु, उन छवियों को भी तो सोचते समय आपने शब्दों में बदला होगा। हाँ दीदी, वो तो है। अच्छा, ये जो हमने क्रिया की, इसका तात्पर्य ये निकला कि भाषा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। चलो एक मिनट को मान लो कि हमारे जीवन में भाषा न होती तो क्या होता। तो हमें सोचने में परेशानी होती। तब तो हम एक दूसरे के विचार भी ना जान पाते। बिल्कुल। क्यों दीदी, ऐसा तो नहीं है। हम अपने हाव भाव से और इशारों से तो बहुत कुछ समझा देते हैं। अच्छा चलो करके देखते हैं। एक खेल खेलते हैं। अच्छा, एक लड़की किसी भी व्यवसाय के व्यक्ति का अभिनय करेगी और हम सबको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, ठीक है। दीदी मैं करती हूँ। दीदी हम जान गए, मंजू धोबी का अभिनय कर रही है। बिल्कुल ठीक। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब आपने अपने आप करके देखा कि बिना शब्दों के भी हम अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा तो फिर बताइए कि शब्दों की क्या आवश्यकता है। नहीं दीदी, कह तो सकते हैं पर भाषा के द्वारा हम अपनी बात और स्पष्ट तरह से कह पाते हैं। भाषा तो बहुत जरूरी है। हाँ मंजू, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। भाषा के तो बहुत से लाभ हैं। भाषा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान भली भांति कर पाते हैं। अच्छा और क्या लाभ है। दीदी, भाषा हमें सोचने और समस्या का हल करने में सहायक होती है। हाँ, हम समस्या को भाषा के द्वारा हर पहलू से परख सकते हैं। और दीदी, हमें अपने अनुभवों को दोबारा याद करने में भी मदद करती है। हाँ, आप सभी ने सही कहा। भाषा हमें अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारी सारी शिक्षा, चाहे कोई भी विषय ले लो, भाषा पर निर्भर है। इसलिए भाषा में कुशलता बहुत अनिवार्य है जी। अच्छा ये बताइए, जब हम भाषा में कुशलता की बात करते हैं तो शुरू में हम कौन कौन से कौशलों को सीखते हैं। दीदी, पढ़ना और लिखना। देखो मधु, भाषा का विकास पढ़ने लिखने से नहीं शुरू होता। अच्छा, सबसे पहले बच्चा जब भाषा सीखता है ना, तो कैसे सीखता है। कभी आपने सोचा है कि बंगाली बच्चा बंगला ही क्यों बोलता है, या तमिल परिवार का बच्चा शुरू से तमिल ही क्यों बोलता है। दीदी, बच्चा जो भाषा परिवार में शुरू से सुनेगा वही तो बोलेगा। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए उसको सबसे पहले सुनना बहुत आवश्यक है जी। और यही सुनना भाषा विकास का सबसे पहला कौशल है। सुनने के बाद बच्चा बोलता है। इस तरह सुनने बोलने का विकास साथ साथ होता है। और प्रारंभिक बाल अवस्था में हमें इन दोनों कौशलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दीदी, वो सुनना बोलना तो ठीक है, परंतु पढ़ना और लिखना भी तो भाषा के कौशल है ना। हाँ, भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जी।
लेकिन प्रारंभिक वर्षों में जब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं ना, तब हम पढ़ने और लिखने के कौशल पर सीधा ध्यान न देकर अनेक अनुभवों द्वारा बच्चों को उन कौशलों के लिए तैयार करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जाकर जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता है, तब उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। पर दीदी, हम तो पूर्व प्राथमिक स्तर की चर्चा कर रहे थे, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी में क्या पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे? नहीं मधु, पूर्व प्राथमिक शाला में हम बच्चों को सुनने की क्रियाएं, बोलने की क्रियाएं और पढ़ने की तैयारी तथा लिखने की तैयारी से संबंधित क्रियाएं कराते हैं। अच्छा, आइए हम ये अलग अलग क्रियाएं करके देखें। जी जी। तो पहली क्रिया है सुनने की क्रिया। आप लोग आंगनवाड़ी गए थे ना? जी दीदी। अब कोई सुनने वाली क्रिया जो आपने देखी हो उसे बताइए। दीदी, कहानी सुनना। बिल्कुल ठीक। तो कहानी कौन सुनाएगा? हम सुनाते हैं दीदी। ठीक है, तो शुरू करो। कहानी का नाम है शेर और खरगोश। जंगल में एक शेर था, वो उस जंगल का राजा था। वो रोज रोज जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाता था। सभी जानवर उस शेर राजा से बहुत भयभीत रहते थे। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया था और अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रोज रोज शिकार करने जाए। शेर के दिमाग में विचार आया। उसने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभा में उसने कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारा शिकार करने जाता हूँ और तुम सब परेशान होते हो, इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई एक रोज मेरे पास आया करे। सभी जानवरों के लिए दिन निश्चित कर दिया गया। राजा की बात सभी जानवरों को माननी पड़ी। उन्हें क्या मालूम कि इसमें राजा ने अपनी चालाकी दिखाई है। फिर तो रोज रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता था। किसी दिन बिल्ली तो किसी दिन कुत्ते की बारी होती। इसी तरह एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश के दिमाग में एक विचार आया। वो शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। शेर भूख से परेशान था और गुफा के बाहर आकर खरगोश का इंतजार कर रहा था। खरगोश को देखकर वो चिल्लाया, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? खरगोश ने बड़े भोले बनते हुए कहा, राजा जी, मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया था। मैं अपने घर से निकला तो रास्ते में कुआं था, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। मैंने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें एक शेर दिखाई दिया। उसने गरजते हुए कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुमको मैं खाऊंगा। राजा जी, मैं तो बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर यहाँ आया हूँ। शेर राजा इतना सुनकर गुस्से में आग बबूला होने लगा। तेजी से दहाड़ते हुए कहा, इस जंगल का मैं राजा हूँ, वो दूसरा शेर कौन है? चलो मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा हो। और वो शेर को कुएं के पास ले आया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने शेर को कुएं में झांक कर देखने के लिए कहा। शेर को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा उसकी परछाई ही दूसरा शेर है। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम कौन हो? कुएं की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज वापस आई, जिसे सुनकर शेर और भी गुस्से में बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुएं से फिर आवाज आई, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर फिर बोला, अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी और खरगोश शेर की कहानी में मजा नहीं आया। भाई देखो, कहानी तो बहुत अच्छी है, पर जरा सबके चेहरे तो देखो। इस तरह कहानी सुनाओगे तो बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, इसीलिए तो हमने कहानी पूरी नहीं सुनी। कहानी तो अलग ढंग से सुनानी चाहिए। लेकिन दीदी, कहानी तो कहानी है, इसमें अलग क्या करना? देखो भाई, बच्चों को कहानी सुनाना भी एक कला है। बच्चों को छोटी मजेदार कहानियाँ सुनाएं, जिसमें सरल भाषा का प्रयोग करें। कहानी कहते समय आवाज में उतार चढ़ाव का होना भी बहुत जरूरी है। और सुनाने के बाद बच्चों से सवाल पूछें, ताकि उनको कहानी याद हो जाए। अच्छा, तो अब कहानी का एक नमूना हो जाए? हो जाए। तो लो सुनो, ये कहानी सुनाने के लिए हमने भैया को बुलाया है। अच्छा। तो भैया शुरू कीजिए कहानी। जी, ये कहानी जैसे मैं बच्चों को कक्षा में सुनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही यहाँ आपको बताऊँ। जी जी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो उस जंगल का राजा था। राजा समझते हैं ना? राजा था। वो रोज रोज जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाकर खा जाता। सभी जानवर शेर राजा से बहुत भयभीत रहते थे।
धीरे धीरे शेर बूढ़ा होने लगा और अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रोज रोज शिकार करने जाए। अब शेर के दिमाग में एक विचार आया। उसने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलवाई। सभा में उसने कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारा शिकार करने जाता हूँ और तुम सब बहुत परेशान होते हो, इसलिए ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई एक रोज मेरे पास आ जाया करे। सभी जानवरों के दिन मैं निश्चित कर देता हूँ, बारी बारी से सभी जानवर आते रहें और मैं खाता रहूंगा। और हाँ, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो सबको खा जाऊंगा। शेर की ये बात सभी जानवरों को माननी पड़ी। उन्हें क्या मालूम कि इसमें राजा ने अपनी चालाकी दिखाई है। फिर तो रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता था। किसी दिन बिल्ली मियाओ तो किसी दिन कुत्ते की बो बो बारी आती। इसी तरह एक दिन खरगोश की बारी आई। अब खरगोश था चालाक। उसके दिमाग में एक विचार आया। वो शेर से बचना चाहता था। बचे तो कैसे बचे? इसलिए उसने क्या किया, वो शेर के पास बहुत ही देर से पहुंचा। अच्छा। शेर भूख से परेशान गुफा के बाहर चक्कर काट रहा था कि कब खरगोश आएगा, कब मैं उसे खाऊंगा। जब खरगोश वहां पहुंचा तो शेर उसे देखकर चिल्लाकर बोला, तुमने इतनी देर कैसे लगाई खरगोश? खरगोश ने बड़े ही भोले बनते हुए कहा, राजा जी, मैं तो चक्कर में ही पड़ गया था। मैं तो अपने घर से ठीक वक्त पर निकला था। वो रास्ते में एक कुआं था, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। मैंने क्या किया, मैंने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें एक और शेर दिखाई दिया मुझे और उसने गरजते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुमको मैं खाऊंगा। राजा जी, मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया, फिर मैं बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आ सका, इसलिए देर हो गई। शेर राजा ने इतना सुना तो गुस्से से आग बबूला हुआ और तेजी से दहाड़ते हुए कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ, वो दूसरा शेर कौन है, चलो मुझे उसके पास अभी ले चलो। खरगोश ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर वो खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने शेर से कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर है वो दूसरा वाला शेर। शेर ने कुएं में झांका, उसे वहां दिखाई दी अपनी ही परछाई। शेर ने समझा, ओ तो यही है वो दूसरा शेर। शेर ने उसे डराने के लिए कहा, ओ दूसरे शेर, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम कौन हो? कुएं की दीवारों से टकराकर उसकी अपनी ही आवाज उसे सुनाई दी और उस आवाज में भी यही कहा गया था, मैं जंगल का राजा हूँ, तुम कौन हो? ये सुनकर शेर ने समझा कि दूसरा, वो जो नीचे पानी में शेर दिखाई दे रहा है, वो उसे ललकार रहा है। बस
फिर शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूं, तुम्हें खा जाऊंगा। अब यही आवाज फिर गूंजी। अंदर से आवाज आई, मैं जंगल का राजा हूं, मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। शेर ने फिर सुना, अच्छा तुम मुझे खाओगे, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। ये कहते हुए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। और इसके बाद क्या हुआ? निश्चित रूप से शेर कुएं में डूबकर मर गया। और फिर इस बात पर सभी जानवरों ने खरगोश की अकलमंदी की तारीफ की और फिर उसके बाद खूब जश्न मनाया। आपने तो बहुत अच्छी तरह कहानी सुनाई, बहुत मजा आया ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आज्ञा चाहूंगा जी। तो ये तो हुई सुनने की एक क्रिया। अब दूसरी कोई सुनने की क्रिया जो आपने देखी हो वो बताइए। दीदी आज की ताजा खबर। ठीक, इस क्रिया में क्या हो रहा था? प्रत्येक बच्चा खड़ा होकर कोई न कोई घटना जो उसके साथ घटी हो दूसरे बच्चों के सामने कहता है। हाँ, इसके साथ एक और मजेदार सुनने की क्रिया है ध्यान। इसमें सारे बच्चे आंखें बंद करके वातावरण की विभिन्न आवाजों को ध्यान से सुनकर बाद में पूछने पर बताएंगे। जी, इसे भी क्यों ना करें दीदी। ठीक है, आप सब बैठ जाइए और अब आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। जी जी। अच्छा, अब आप लोग आंखें खोलिए और बताइए कि आपने क्या सुना। बिल्ली की आवाज दीदी। पानी उड़ेलना। झुटकी की आवाज। ताली की आवाज। और कुत्ते की आवाज। शाबाश दीदी, हाथी की आवाज भी तो थी। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा ही एक और खेल है साउंड बॉक्स। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? दीदी दो डिब्बे हैं। हाँ, इन डिब्बों में छोटे पत्थर हैं। अब आप लोग बताएं कि किस डिब्बे में से तेज आवाज आ रही है और किस में से धीमी। ठीक है जी। पहले डिब्बे से तेज है और दूसरे से धीमी। अब बताओ किस में ज्यादा छोटे पत्थर हैं? पहले में। शाबाश। इसी तरह आप लोग दो से ज्यादा डिब्बे ले सकते हैं और अलग अलग संख्या के पत्थर या बालू रख सकते हैं। जी जी। हाँ, ये तो थी सुनने की क्रिया। अब बारी है बोलने की क्रिया की। चलो जल्दी से बताओ इसकी क्रिया। दीदी वो आलू भालू वाली। ओह, वो क्रिया है शब्द लयात्मक। चलो ये खेल भी करके देखते हैं। जी ठीक है जी। हाँ। क्रिया तो आती है ना आप सबको। हाँ, 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 हाँ। पहला बच्चा कोई भी लयात्मक शब्द बोलेगा। उसके बाद वाला बच्चा दूसरा शब्द बोलेगा जिसकी लय पहले वाले शब्द से मिलती हो। जी तो शुरू करें। जी, जी। आलू। चालू। भालू। कालू। बालू। बस, 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 बस। इस क्रिया में बच्चे शुरू में तो निरर्थक शब्द कहेंगे परंतु धीरे धीरे वो ठीक शब्द भी कहना सीख जाएंगे। भाई ऐसा करने से क्या होगा? बोलना सीखेंगे। हाँ वो तो है ही, पर बोलने के लिए शब्द भी तो चाहिए। ये क्रिया शब्द संग्रह को बढ़ाती है। दीदी और आंगनवाड़ी में अध्यापिका बच्चों को चित्र दिखा रही थी और बच्चे चित्र को देखकर उसके बारे में बोल रहे थे। हाँ, अध्यापिका ने उन्हें कुत्ते का चित्र दिखाया था जी। और बच्चे कुत्ते के बारे में बोल रहे थे। इससे भी बच्चा वाक्यों में बोलना सीखता है और उसका शब्द संग्रह भी बढ़ता है। अच्छा दीदी, अब कौन से कौशल की क्रिया बतानी है आपको? अब पढ़ने की तैयारी की क्रिया। अच्छा बताओ तो पढ़ने के लिए क्या आना जरूरी है? अक्षर ज्ञान। हाँ,
परंतु हम पढ़ने की तैयारी में दृष्टि को प्रयोग में लाते हैं, है ना। इसलिए पढ़ने की तैयारी में हमें देखकर वस्तुओं में अंतर करना आना चाहिए। पर दीदी, ये बाद में पढ़ने में कैसे सहायक है? इस कौशल को हम दृष्टि विभेदीकरण कहते हैं और इसके द्वारा ही बाद में बच्चा वर्णों में अंतर को समझ पाता है। अब इसकी कोई क्रिया बताओ तो जो आपने देखी हो। दीदी, अध्यापिका कुछ बच्चों को आकार दिखा रही थी, समझ में नहीं आया हमें। अच्छा, तो क्रिया मैं आपको बताती हूँ, आप साथ साथ बनाते जाएं, ठीक है? ठीक है। आप लोगों के पास वो जो लंबा गत्ता है ना, उसमें चार आकार बना लें। अच्छा, जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोर और स्टार। जी जी। अब अलग से एक कार्ड पर स्टार बना लें और बच्चों से पूछें कि स्टार जैसा चित्र गत्ते पर ढूंढ कर बताएं। इसी तरह आप चार ग्लास गत्ते में बनाएं। अच्छा। और बीच में एक बोतल बना दें और बच्चे से अलग चीज को ढूंढ कर बताने को कहें। अच्छा। दीदी, अब समझ में आया कि इससे बच्चा देखकर अंतर समझेगा। बिल्कुल। इसी तरह बच्चे को पढ़ने की तैयारी में ध्वनि में फर्क करना भी आना चाहिए। इसे ध्वनि विभेदीकरण कहते हैं। अब इसकी क्रिया कौन बताएगा? दीदी, वो जिस क्रिया में बच्चे अंताक्षरी की तरह खेल रहे थे, वही ना? हाँ, चलो हम भी खेलते हैं। अच्छा। मैं एक शब्द कहूंगी जी, जैसे कल। जी। मेरे बाद जो होगा वो ल से दूसरा शब्द बोलेगा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो अपने से पहले व्यक्ति ने जो शब्द कहा होगा ना, उसकी आखिरी आवाज से शब्द कहेगा। ठीक है। अच्छा, तो शुरू करें। जी। मन, मन। न से नल। ला, ला, ला से लग। गा से गम। गमला। नहीं नहीं, ये तो गलत है, आपको तो म से बोलना है। हाँ दीदी, तो म से मत। हाँ, ये ठीक है। देखो, इससे बच्चे आवाजों में भेद करना सीखते हैं। इसी तरह से आप कार्ड पर तीन चित्र जिनकी प्रथम या मध्यम या फिर अंतिम ध्वनि समान हो बनाएं और एक चित्र भिन्न ध्वनि या आवाज वाला बनाएं, जैसे कमल, कलम, कान। जी जी। ये क ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। अब इन्हीं चित्रों में च ध्वनि से प्रारंभ होने वाला कोई चित्र बना दें, जैसे चम्मच। जी। और बच्चे को अलग ध्वनि वाली वस्तु बताने को कहें। दीदी, ये तो बच्चों को करवाने में बहुत मजा आएगा। हाँ, वो तो है ही। अब है आखिरी पढ़ने की तैयारी का कौशल, दृष्टि ध्वनि साहचर्य, यानी ध्वनियों को वस्तुओं के साथ जोड़ना। अच्छा, इसकी क्रिया नहीं पता। देखिए, इसके लिए आप तीन वस्तुओं के चित्र जिनकी शुरू की ध्वनि एक हो बना लें। उनमें से दो चित्रों को एक मोटे कागज पर चिपका दें और तीसरे चित्र को और चित्रों में मिला दें। अब बच्चे को कहें कि चिपके हुए चित्रों वाली प्रथम ध्वनि के चित्र को ढूंढ कर चिपकाए। दीदी, क्या इस कौशल का कोई खेल है? हाँ है, खेल का नाम है दौड़ो और लाओ। इसमें बच्चों को दो पंक्ति में खड़ा करें जी और बीच में गोला बनाएं, उसमें पत्ती, फूल, पत्थर आदि रख दें। जी। अध्यापिका द्वारा गोले में रखी किसी भी वस्तु का नाम लेने पर दोनों पंक्तियों से एक एक बच्चा आकर उस वस्तु को लेने की कोशिश करेगा। जी। जो ले जाएगा उसकी टीम को अंक मिलेंगे। समझ गए ना? जी, 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 जी। अच्छा, आप जरा बताओ तो इससे क्या होगा? दीदी, इससे बच्चा शब्द को सुनकर उस वस्तु को उठा कर लाएगा। बिल्कुल। तो यही है दृष्टि ध्वनि साहचर्य। अब कौन सा कौशल रह गया? वो लिखने की तैयारी दीदी। हाँ, इस कौशल की क्या क्रिया देखी थी? लिखने जैसा तो कुछ नहीं कराया। अरे भाई, लिखना नहीं, लिखने की तैयारी। इसमें आपने देखा था बच्चे बिंदुओं को जोड़ रहे थे। हाँ दीदी। इसकी अन्य क्रियाएं हैं रंग भरवाना, ट्रेस करना आदि। इन क्रियाओं के द्वारा बच्चे को लिखने के लिए जो संतुलन चाहिए वो बच्चा अभ्यास से सीख जाता है। दीदी, आपने जो क्रियाएं बताई हैं अब हम अपने बच्चों को करवाएंगे। तभी तो आपको ये सिखाई हैं। जितनी अधिक क्रियाएं आप कराएंगे उतनी ही बच्चों को अपनी भाषाई कौशल का विकास करने में मदद मिलेगी। जी। इन अनुभवों के साथ कई ऐसे कारक होते हैं
जिनका बच्चों के भाषा विकास पर प्रभाव होता है, जैसे बच्चे का जन्म क्रम। अगर बच्चे का जन्म क्रम प्रथम है तो उसका बड़ों से ज्यादा संपर्क रहेगा, इस कारण उसका भाषा विकास अच्छा होगा। और बच्चा बीच का है तो उसका संपर्क अपने भाई बहन से ज्यादा होगा, तो क्या होगा? दीदी, भाषा विकास उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है ऐसा हो, परंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता को शुद्ध भाषा में बोलना चाहिए। जी। इसके अलावा दूसरा कारक है, अगर घर का माहौल बहुत सख्त है तो भी बच्चे का भाषा विकास उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका दूसरों से ज्यादा संपर्क नहीं होगा। दीदी, फिर तो जो बच्चे दूसरों से ज्यादा बातचीत करें, मिले, उनका भाषा विकास अच्छा होगा। बिल्कुल, भाषा का विकास अच्छा हो इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो शुद्ध भाषा बोलें, बच्चे से बातचीत करें जी। बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने दें, उन्हें खिलौने दें और बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं। इसके अलावा भी कोई कारक है क्या? हाँ, सामाजिक वर्ग। मध्यवर्गीय परिवार में सदस्य शुद्ध भाषा प्रयोग में लाते हैं जी। इसलिए उनके बच्चों की भाषा अच्छी तरह से विकसित होती है। परंतु निम्न वर्गीय परिवार में सदस्य सही भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ ही जुड़ा है दूसरा कारक, शिक्षा का स्तर। ये पाया जाता है कि पढ़े लिखे सदस्यों के परिवार में बच्चों का भाषाई विकास अच्छा होता है। पर दीदी, बच्चे हकलाते भी तो हैं। हाँ, हकलाना बोलने की समस्या है। इसमें बच्चा शब्दों के बोलने पर नियंत्रण नहीं कर पाता। बच्चा जितनी साफ सुंदर भाषा सुनेगा और वैसी ही भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित होगा तो उसका भाषाई विकास निश्चित रूप से अच्छा होगा। घर के और बाहर के वातावरण का भी बच्चे के भाषा विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। और हाँ, बच्चों में मानसिक तनाव के कारण भी भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है दीदी? भाई, इसके लिए बच्चों का ध्यान बार बार उसके हकलाने पर आकर्षित नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। बच्चे को आराम से बात करना सिखाएं और आप भी उसकी बात ध्यान से सुने। और दीदी, तुतलाना भी तो एक समस्या है। हाँ, शुरू में बच्चे जब कोई शब्द गलत बोलते हैं ना, तो माता पिता उसको सही न बोलकर बल्कि खुश होते हैं। जैसे मतलब का मतलन बोलना। अगर घर के बड़े बच्चे के गलत शब्द को धीरे धीरे से सही बोलना सिखाएंगे तो ये समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। दीदी, आपने आज हमें बहुत सारी जानकारी दी। देखा ना, भाषा की वजह से आप लोग कितनी ज्ञानवर्धक जानकारी पा सकते हैं। भाई, यही तो भाषा का कमाल है। अच्छा भाई, अब कमाल तो बहुत कर लिया, यही कमाल अब अपनी आंगनवाड़ी में करके दिखाओ तो जाने। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों में भाषा का विकास। आलेख शोभा लक्ष्मी साहू, विषय संयोजन कांता सेठ, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा चौधरी, परियोजना संचालन प्रोफेसर विनीता कौल, कलाकार सविता बजाज, मंजू मैनी, सुनीति कोहली, गीता वर्मा एवं सुषमा कौशिक, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वनि कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर तथा निर्माण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT नई दिल्ली।